अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं सब भाइयों। आज अपन बात करेंगे कि जब अपन नया बकरा लाते हैं तो कई बकरे क्या होते हैं, खाने पीने में नाटक करते हैं, मतलब खाते नहीं हैं, बिल्कुल ही नहीं खाते या थोड़ा बहुत नाटक करते हैं, तो उसका अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। और मैंने खुद पर्सनली अभी करा है क्योंकि मेरा बकरा बिल्कुल नहीं खा रहा था और एक पड़ोस वाले थे उनका भी बकरा बिल्कुल नहीं खा रहा था, तो उसके लिए अपन ने सॉल्यूशन करा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया दोनों बकरों में, अब मेरा बकरा भी खाने लगा और उनका बकरा भी माशाल्लाह अच्छे से ताबड़तोड़ तरीके से खा रहा है। तो सॉल्यूशन ये है कि पहले तो जब नया बकरा आए तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को करना है कि भाई अलग अलग जो दाने होते हैं पहले थोड़ा थोड़ा सा सैंपल लेके आ जाएं दुकान से, गेहूँ जौ मक्का जो भी है उसको लेके आ जाएं और थोड़ा थोड़ा पहले जानवरों को चखा के देखें। हो सकता है आपका बकरा चना ना खाए तो अपना बड़ खा ले, सॉरी चना ना खाए तो गेहूँ खा ले, गेहूँ ना खाए तो जौ खा ले, मतलब कुछ ना कुछ वो खा लेगा, ठीक है। फिर भी अगर आपका बकरा बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा है या आपने अलग अलग दाने ट्राई कर लिए उसके बाद भी कुछ नहीं खा रहा है, तो फिर आप लोगों को क्या करना है कि जो भी है जैसे जौ होती है, ठीक है, जौ या गेहूँ या आपका चना, ठीक है, तो उसको क्या करना है आपको अपना पहले थोड़ा सा धो लेना है उसको, ठीक है ना। धोने के बाद उससे क्या है उसकी गंदगी वगैरह साफ़ हो जाएगी, गंदगी साफ़ होने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, गंदगी साफ़ हो जाएगी, उसके डेंटल वगैरह जो भी है वो साफ़ हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसको पानी निथाड़ ले, पानी निथाड़ने के बाद उसमें डाल दें हिमालय बतीसा। हिमालय बतीसा तो सब जानते ही होंगे, नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये है भाइयों हिमालय बतीसा, ठीक है ना। तो इस हिमालय बतीसा को आप लोगों को क्या करना है अपने दाने में छिड़क देना है थोड़ा सा। दाने में छिड़कने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद उसको 4-5 घंटे सूखने दीजिए, जिससे क्या उसका पानी बिल्कुल सूख जाए। पानी सूख जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर वो जानवर को खिलाना है, ठीक है ना। अब जब भी आप खिलाना चाहें वो दाना खिलाना है, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जानवर बहुत तेज़ी से वो दाना खाने लगेगा, ठीक है। अब पत्ती के सॉल्यूशन पे आते हैं कि पत्ती नहीं खाएं जानवर तो क्या करें, पत्ती को आप लटकाने लगे। लटकी हुई पत्ती जानवर थोड़ी ना थोड़ी तो खाएगा ही खाएगा, एक बार नीचे पड़ी हुई पत्ती ज़रूर छोड़ देगा लेकिन लटकी हुई पत्ती आराम से खाएगा, ठीक है। या जैसे मैं खिलाता हूँ भाई, मैं तो भराई का काम है ज़्यादातर, तो ये पत्ती तोड़ के ही खिलाते हैं हम लोग, या फिर है ना तोड़ के डाल देते हैं तो पत्ते ऐसे भी खा लेते हैं जानवर। ये देख लीजिए टूट रही है, दोनों मेरे भाई हैं, ये बाबर है और ये दिलावर है, इस्माइल दिलावर, ठीक है भाइयों। और उसके बाद है ना अगर फिर भी नहीं खा रहा है जानवर तो फिर आप एक बार चेक कर लीजिए कि उसके मुँह में छाले वाले तो नहीं है या उसके जो आरे होते हैं वो आ तो नहीं गए, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, इंशाल्लाह आप करके देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के साथ भाइयों अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।